साइबर कैफ बिजनेस क्या है, साइबर कैफ का बिजनेस कैसे करें, साइबर कैफ दुकान खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, साइबर कैफ दुकान का रिमॉडलिंग कैसे करें, साइबर कैफ में कौन कौन काम होते हैं, इस टाइप के सवाल जो है से आपके मन में चलता रहता है। दोस्त आज हम फिर से आपको जो है से साइबर कैफ के बारे में पूरा रिव्यू करने वाला हूँ। एक छोटा सा साइबर कैफ खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप देख रहे होंगे ये मेरा छोटा सा दुकान है जिसमें जो है से हम इलेक्ट्रॉनिक का भी सामान रखे हुए हैं, मोबाइल का भी जो है सामान हम रखे हुए हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि मेरे पास 3 सेट सिस्टम है, उसके बाद आपको जियो फाइबर ये सब चीज़ जो है से दुकान में लगा हुआ है। दोस्त मैं कहना चाहूँगा कि साइबर कैफ का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है जिसको हर कोई जो है से ऑपरेट कर सकता है। जिसको एक बार साइबर कैफ में मन लग गया उसको दूसरा बिजनेस करने का कोई मन नहीं करेगा। साइबर कैफ एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप जो है से जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जो है से बीच में से ही हट जाते हैं। आप जो इतना बड़ा देख रहे हैं दुकान, वो छोटा सा दुकान से मैं शुरुआत किया था, और ये नहीं है कि जो है से मैं कहीं से पैसा लेके यहाँ से लेके वहाँ से लेके दुकान खोला था, ऐसा बात नहीं। शुरुआत स्तर में जो है से हम बहुत ही कम पूंजी में जो है से दुकान को शुरू किए थे, और आज आप देख सकते हैं कि दुकान जो है से बहुत बड़ा लेवल पे जो है से पहुँच गया है। लगभग अब जो है से पूरी दुकान की अगर लागत करें तो 5 लाख से ऊपर जो है से अब दुकान में अभी तक जो है से हम पैसा लगा चुके हैं, जो कि वही दुकान से कमा के लगा चुके हैं। साइबर कैफ दुकान खोलने के लिए आपको जो है से कुछ बातों का जो है से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो है से मेरा दोस्त लोग है, यानी कि दुकान पे रहते हैं, मुझे हेल्प कराते हैं, वीडियो शूट करना रहता है तो यही कैमरामैन है, और उसको आप देख रहे हैं वही वीडियो एडिटिंग करता है, यही सब जो है से सारा दुकान को डेकोरेशन करता रहता है। लोग का जो है से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो साइबर कैफ बिजनेस शुरू करने के लिए आपको जो है से सबसे पहले तो वहाँ पे दुकान खुलना चाहिए जहाँ पे चौक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इस टाइप से आपको जो है से दुकान को सेटअप करना चाहिए। और अगर आप कोई भी अगर बंदा चाहते हैं तो इस टाइप से दुकान बनवा सकते हैं। छोटा सा देख रहे हैं, इस टाइप से जो है से एल काउंटर है, यहाँ पर आप सिस्टम उधर सिस्टम इस टाइप से रैक काउंटर बनवा के दुकान में आप जो है सामान अच्छा खासा रख सकते हैं। साइबर कैफ को चलाने के लिए बहुत सारे लोग को मन में सवाल रहता है कि कौन सा आईडी ले। साइबर कैफ को देखिए चलाने के लिए आपके पास 2 ही आईडी का ज़रूरी पड़ेगा। पहला तो सबसे पहले आपको स्पाइस मनी आईडी लेना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आप ट्रेन का टिकट काट सकते हैं, पिन कार्ड बना सकते हैं, पैसा निकासी कर सकते हैं, उसके बाद जो है से कैश कलेक्शन भी कर सकते हैं। बहुत सारा जो है उसमें फीचर दिया हुआ है तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपको CSC आईडी लेना पड़ेगा। उसके बाद और क्या क्या लगता है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उसके बाद आपको जो है से इतना जब 2 आईडी ले लीजिएगा, उसके बाद जो है से जिस टाइप से आप देख रहे हैं दुकान को रिमॉडलिंग करना है तो आप छोटा सा स्तर से रिमॉडलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है से जियो फाइबर का ज़रूरी पड़ेगा, या तो आप मोबाइल से भी उसको यूज कर सकते हैं। इतना सारा आपके पास अवेलेबल हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंटर है, उसके बाद माउस कीबोर्ड आपको पता ही होगा। ये सब इतना चीज़ लेने के बाद दुकान में आप जो है से कुछ अगर खलूल बनवा लेते हैं, रैक बनवा लेते हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम भी आप दुकान से कर सकते हैं। जैसे बॉल, तार, होल्डर, इलेक्ट्रॉनिक का, मोबाइल का चार्जर, बैटरी, ये सब बेच के आप जो है से अच्छा खासा भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपका मेन पैसा जो है से ऑनलाइन का काम करना है। ऑनलाइन के साथ अगर आपके पास एक्स्ट्रा अगर इनकम अगर हो जाता है तो कितना खुशी की बात है। तो ज़्यादातर जो है से लोग जो सामान से साइबर कैफ में नहीं रखते, लेकिन साइबर कैफ में सामान सब जो है से रखना चाहिए। जो मन करे वो सामान आप रख सकते हैं, उससे भी जो है से दुकान में पैसा कमाया जा सकता है। मान लीजिए कि आज ऑनलाइन का कोई काम नहीं है तो दुकान में अगर आपके पास सामान रहेगा उससे भी आप जो है से बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इसको बोला जाता है ट्रिपल है इनकम, डबल इनकम, सिंगल इनकम। तब सिर्फ केवल अगर सिर्फ आप साइबर कैफ का काम अगर करते हैं तो सिंगल इनकम हुआ, सामान सब रख देते हैं तो डबल इनकम हो गया, अगर और सामान सब रख देते हैं तो ट्रिपल जो है से आपको जो है से इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो साइबर कैफ का काम जो है से बहुत ही आसान है। शुरू में जैसे आपको फास्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है से ये
बहुत ही आसान काम जैसे ये हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी साइबर कैफ का दुकान खोलें, तो सबसे पहले आपके अंदर जो है से जुनून होना चाहिए। जिसके पास जुनून होगा वही जो है से कुछ न कुछ करता है। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम फास्ट नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपके पास जो है से कितना जुनून है। आपके पास जितना जुनून होगा आप उस हिसाब से जो है से कोई भी काम को जल्दी कर सकते हैं। तो एक साइबर कैफ चलाने के लिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का ज़रूरत नहीं पड़ता है। छोटा मोटा जैसे आपको इंग्लिश आना चाहिए, छोटा मोटा हिंदी आना चाहिए, मतलब छोटा सा स्तर से जैसे अगर आप पढ़े लिखे रहे होंगे फिर भी आप जो सारा का सारा काम कर सकते हैं। सपोर्ट डेट मान लीजिए कि आप फ़ोन को चलाना सीख गए हैं तो साइबर कैफ भी चलाना आप सीख जाइएगा, क्योंकि साइबर कैफ जो है पैटर्न पर चलता है। एक बार पैटर्न समझ लीजिएगा तो किसी भी फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी काम को जैसे आसानी से कर सकते हैं। साइबर कैब का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है, मेरे लिए तो लकी है। और आप लोग जो है से जब करिएगा, चाहे जो लोग साइबर कैब का दुकान खोल चुके हैं उन लोग सभी अगर पता करिएगा तो देखिएगा कि जो इंसान एक बार साइबर कैब का बिजनेस कर लेता है उसको दोबारा कोई भी बिजनेस से मन आखिर क्यों नहीं लगता है। कारण बस यही रहता है कि साइबर कैब में इतना सारा पैसा है, इतना पैसा है कि हम बता ही नहीं सकते हैं। इसमें जितना मेहनत करो जितना काम करो उतना ही पैसा है, घंटे घंटे हैं। दूसरी बात यह है कि साइबर कैफ का काम जो है सिर्फ गांव के नहीं आते हैं, चाहे जो पड़ोस का नहीं आते हैं, ये ऑनलाइन काम होता है, कहीं से भी आपको आ जाता है। आप जितना प्रचार करिएगा, जितना अपना सबको जो है से फैलाइएगा, जितना मतलब कहीं भी जाइएगा तो प्रचार करिए, कहीं भी जाइए यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अब जितना इसको प्रचार करिएगा उतना ही जो है इसमें पैसा जो है से आते रहते हैं। तो भाई लोग आशा करते हैं कि छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरा दुकान आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग साइबर कैफ का वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं विस्तार रूप से। थैंक यू सो मच।